A very very warm and energetic welcome. भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ भाई, ऐसा बोलने का पीछे का रीजन है। ठीक है, क्या है कि हम लोग जो है वापस से क्लास सिक्स का साइंस कंप्लीट हो चुका है इस चैनल पे। ठीक है, अब जो है हम लोग क्लास सिक्स का, ठीक है, क्लास सिक्स का पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी जो नाम से है ना भैया, क्या सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो कि देखो यहाँ वन लिखा है, क्लास सेवन वाले में टू लिखा होगा, क्लास थ्री वाले में यहाँ थ्री लिखेगा। ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वन टू थ्री, मतलब कि सेवन में टू लिखाएगा, एट में थ्री लिखाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पॉलिटी क्लास सिक्स का देखेंगे। ठीक है भैया, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक एक करके एक एक करके एक एक करके पूरा जो ये क्लास सिक्स का जो पॉलिटी है वो कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉलिटी सेवन पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट एट पे जाएंगे, और मे भी हो सकता है आगे भी जाएंगे। ठीक है, इतना ज्यादा मत बोलो भाई, इतना ज्यादा पहले प्री प्लान मत कर लो, पहले काम कर लो। ठीक है, तो हम लोग आज से क्लास सिक्स का पॉलिटी चालू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस सीबीएसई वाला भी पढ़ सकता है, ठीक है, सीबीएसई स्टेट बोर्ड कोई भी पढ़ सकता है, जिसको भी एनसीईआरटी जहां भी रिक्वायरमेंट है वो देख सकता है इस वीडियो को भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब एक्नॉलेजमेंट ये सब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। देखो भाई, कोई भी है ना कि कोई भी चैप्टर चालू करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट चालू करते हैं हम लोग, तो उसके बारे में पता होना चाहिए ना कि उसका सिलेबस क्या है, उसका उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब जानते हुए रहते हैं तो दिमाग में एक बना हुआ रहता है ना, मैप बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उसके थ्रू अगर हम लोग चलते चले जाते हैं, तो एक मैप जब बना है तो मैप में पता है रास्ते में हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, तो उस तरीके से जाएंगे तो हम लोगों को बड़ी अच्छा से पता रहेगा कि कब क्या करना है। ठीक है, तो कंटेंट देखना बहुत ही जरूरी होता है। फॉरवर्ड और ऑन यूजिंग दिस बुक, ये चीज हम हटा दिए, ठीक है, नहीं देखें। यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर टू, थ्री और यूनिट फोर, आई थिंक चार ही यूनिट है। ठीक है, चार यूनिट है, चारों यूनिट में दो दो चैप्टर है भैया, दो दो, इसमें तीन है और इसमें दो है, मतलब तीन दो पांच और चार नौ, टोटल हम लोगों के पास कितना चैप्टर है भैया, नौ चैप्टर है। नौ चैप्टर मतलब कि 9 दिन, हाँ मे भी 9 दिन लग सकता है, एक एक दिन हम लोग एक एक घंटे का एक एक चैप्टर करेंगे, या उससे ज्यादा भी लग सकता है या कम भी लग सकता है, गारंटी नहीं है भैया। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेगुलर रहेगा वीडियो। ठीक है, तो यूनिट वन में हम लोग जो है, यूनिट वन जो हमको डाइवर्सिटी के बारे में बता दिया। ठीक है भैया, डाइवर्सिटी क्या होता है भैया, देखो आज इंट्रोडक्शन है यार। ठीक है, उसके बाद फिर अल्लाह जाएगा। ठीक है, तो आइए, कंटेंट है इसके लिए। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ ऐसे ही बात करेंगे, डाइवर्सिटी क्या होता है भैया। देखो, डाइवर्सिटी हिंदी में अगर हम बात करें तो विविधता, ठीक है, कितने कितने विविधता है, मतलब कितने कितने तरह के चीजें हैं, लोग हैं, ये सब चीजें के बारे में बताता है डाइवर्सिटी, मतलब कि कितने डाइवर्स हम लोग, बहुत सारे फैले हुए हैं और बहुत सारे तरह तरह के यहाँ लोग भी रहते हैं, इसी चीज को बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डाइवर्सिटी का टर्म आया हुआ यूनिट वन में, तो चैप्टर जो वन होगा हम लोगों का वो इसी पर बेस्ड होगा, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, हम लोग विविधता को समझेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी को समझेंगे इस पॉलिटी के चैप्टर नंबर पहले में। ठीक है, पहला चैप्टर में भैया हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी को समझने वाले हैं, डाइवर्सिटी को, विविधता को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर नंबर टू है, जो यूनिट वन में ही है, वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर यदि हम लोग डाइवर्सिटी को समझ लिए भैया, विविधता को समझ लिए, ठीक है, विविधता के तौर पर यहाँ अगर हम लोग रिलीजन के तौर पे देखें तो सब कुछ मिलता है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सब कुछ मिलते हैं, तो इस तरीके का यही विविधता के बारे में बताएगा। तो देखेंगे आगे चल करके चैप्टर में कि किस किस वे में बात कर रहा है, किस किस फील्ड में बात कर रहा है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, तो फिर हम जब डाइवर्सिटी विविधता के बारे में पढ़ेंगे, तो दूसरा चैप्टर हमें यह सिखाएगा कि चलो डाइवर्सिटी है, डाइवर्स है हम सब, बहुत ही ज्यादा विविधता है हमारे भारत देश में। ठीक है, तो फिर एक टर्म और आएगा हम लोगों के पास, डिस्क्रिमिनेशन। भैया डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। ठीक है, हम किसी को किसी से किसी भी तरीके का अगर भेदभाव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ये सब बातें को देखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से करते हैं लोग आज के समाज में, आज के दिन में, ये सब देखेंगे, और फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पर भी देखेंगे। ठीक है, अब यूनिट नंबर टू जो होगा वो होगा हम लोगों का क्या, गवर्नमेंट, भैया सरकार। ठीक है, सरकार, सरकार के बारे में हम लोग यूनिट नंबर टू में जानेंगे, जिसमें से अगर गवर्नमेंट आया है हम लोगों का टर्म यूनिट नंबर टू में, तो सबसे पहले तो हम लोगों का यही समझना हो जाएगा कि गवर्नमेंट कहते किसको है, कौन है गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बात को पहले हम लोग सीखेंगे कि भैया गवर्नमेंट किसको कहते हैं, कौन है गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद चैप्टर फोर में की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है,
कौन कौन से एलिमेंट, मतलब कौन कौन से तत्व हैं जो सरकार को कहने, सरकार कहते हैं तो सरकार कह रहे हैं, किस बेसिस पर कह रहे हैं, ये सब बातें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कि सरकार अगर किसी को कह रहे हैं, हम लोग किसी को गवर्नमेंट कह रहे हैं, तो उनको कौन कौन सा बात तुम लोग कर रहा है, या कौन कौन से बात उन लोग में अमल होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि भैया हाँ ये सरकार है। तो हम लोग एलिमेंट देखेंगे उसके, कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसे हम किसी भी सरकार को सरकार कह सकते हैं, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, ठीक है, जहाँ पर लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, अपने अपने पावर और अपने शक्ति का दे देते हैं दूसरा को, कि लो भैया हम अपना पावर शक्ति दे देते हैं तुम्हें, अब तुम जो करना है हमारे वेलफेयर, हमारे कल्याण के लिए तुम कोई काम कर लो, ठीक है, हमारे अच्छाई के लिए काम करो और हमारे कल्याण के लिए काम करो, हम अपनी पूरी शक्ति पावर तुम्हें सौंपते हैं, मेरे लिए अच्छा बुरा सब कुछ का ख्याल तुम करो, अब मेरा अच्छा भी सोचो तुम, बुरा भी सोचो तुम, तो तुमको सब कुछ हम अपना समर्पण करते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट की बात होगी, ठीक है। अब देखते हैं भैया यूनिट नंबर थर्ड, ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड जो कि है क्या, जो क्या है, लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट भैया, हम लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, तो गांव में होता है ना मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, ये सब होते हैं ना, तो यही सब प्रधान, ये सब, इन सब का ही बात किया जाएगा, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट होते जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, लोकल गवर्नमेंट होता क्या है, क्या क्या काम होता है हम लोगों का, इन सब पर बात करेंगे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि लोकल गवर्नमेंट हम लोगों का जो लोकल सरकार जो है वो किस तरीके से हम लोगों पर शासन चलाता है, प्रशासन कैसे वहां पर काम करता है, ये सब बात देखेंगे, ठीक है। तो भैया यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को 3 चैप्टर देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 5 जो कि पंचायती राज के बारे में बताएगा, ठीक है, तो ये भी देखेंगे। हम लोग एक पंचायत से बिलोंग करते हैं, हमें ना गांव से, सब गांव से करते हैं, ठीक है, तो गांव का एक पंचायत होगा, वहां पंचायत राज के बारे में जानेंगे कि क्या होता है पंचायत राज, इसके क्या कार्य होते हैं, कौन होता है इसका हेड, ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। फिर रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, रूरल का मतलब भैया ग्रामीण क्षेत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल हो रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन व्यवस्था चल रहा है उस चीज को देखेंगे, और अर्बन में किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था चलता है ये सब चीज देखेंगे, ठीक है। अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, दोनों देखेंगे। अब जो हम लोगों के पास चौथा यूनिट आता है लिवलीहुड्स, मतलब जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं, इस पर मुख्यतः बातें होंगी, वो मुख्यतः बातें चैप्टर 8 और 9 नंबर में होंगी, जो चैप्टर 8 हमें बताएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से काम पे वो डिपेंड, कि जो कोई काम करते हैं तो किस किस काम पर वो निर्भर होते हैं, ठीक है, ये सब बातें होंगी। उसके बाद अर्बन लिवलीहुड, यहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या अपने कार्य करते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, क्या कौन सी बातें होती हैं, ये सब कुछ हम लोग फिर चैप्टर 9 में देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का था भैया इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है, जिसे हम V1 भी कहेंगे, ठीक है, V1 या V0 कहेंगे, ठीक है, V0, या V0 के नाम पर पे हम लोगों का प्लेलिस्ट में बनेगा, ठीक है। और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है।